नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। साल 1985 में तेरी मेहरबानियाँ नाम की एक बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ और उनके डॉग के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग दिखाई गई थी। मालिक और उसके डॉग के बीच ये बॉन्डिंग सिर्फ फिल्मी पर्दे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में भी ऐसी बॉन्डिंग देखने को मिलती है। सुशांत सिंह राजपूत और उनके डॉग फज के बीच भी काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने से उनका डॉग फज अकेला पड़ गया है। जहां एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से उनके चाहने वालों को बड़ा झटका लगा है, वहीं उनके डॉग फज का भी अपने मालिक के बगैर बुरा हाल हो गया है। दरअसल फज की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिन्हें देख साफ पता चल रहा है कि उनका डॉग काफी परेशान है। सुशांत की कमी उनके डॉग के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। इसमें वो अपने मालिक सुशांत को याद कर भावुक दिखाई दिए। फज एक मोबाइल लेकर बैठा है, जिसमें वो लगातार सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर को निहार रहा है। वहीं बिग बॉस 10 के विनर मनवीर गुर्जर ने फज की कुछ तस्वीरें पोस्ट कर सुशांत के लिए एक इमोशनल मैसेज लिखा है। मनवीर गुर्जर ने तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है, भाई सुशांत सिंह राजपूत कोई और ना सही, ये तो तेरी वैल्यू आज भी जानता है। सुशांत सिंह राजपूत फज के काफी करीब थे। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सुशांत अक्सर फज के साथ अपनी फोटो पोस्ट करते दिखाई देते थे। बता दें कि सुशांत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म को लेकर सलमान खान, सोनम कपूर, आलिया भट्ट, करण जौहर और संजय लीला भंसाली पर निशाना साधा जा रहा है। बिहार में कई जगह पर इन बॉलीवुड सेलेब्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हुई है। कई लोग इन सितारों की फिल्मों को बॉयकॉट करने की भी बात कर रहे हैं। बता दें कि सुशांत ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी इंडस्ट्री से की थी। टीवी शो पवित्र रिश्ता से सुशांत को घर घर में अलग पहचान मिली। टीवी इंडस्ट्री में नाम कमाने के बाद सुशांत ने बॉलीवुड की तरफ रुख किया।